हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आपके लिए ये खूबसूरत से मोजे जो कि सबसे आसान है और पहनने पे भी बहुत अच्छे लगते हैं और देखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं। तो आज की वीडियो में हम ये मोजे बनाना सीखेंगे। इन मोजों में मैंने आपको बुनाई नहीं बतानी है, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कैसे बने हैं। इस वीडियो में खास तौर पे इसकी सिलाई आपको बताऊंगी। और ये फ्लावर मैंने बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप इस फ्लावर को बनाना सीख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत मोजे और इतनी जल्दी बन जाते हैं और सबसे आसान है। अगर आपको सिर्फ उल्टा बुनना आता है, सीधा बुनना आता है, तो आप इस मोजों को आराम से बना लेंगे। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए इस तरह से आपको ये दो स्क्वायर बुन लेने हैं इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे मैंने 46 फंदे डाले थे और टोटल 80 लाइनें बुनी हैं दोनों तरफ। ये जो टोटल धारियों की संख्या है यहाँ से यहाँ तक 40 इस साइड है, 40 इस साइड, यानी कि 80 लाइन मैंने बुनाई की है। तो 80 लाइन में से देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 10 लाइनें हमने पहले ये ब्लू की बुनी है, फिर 4 लाइनें मैंने ये क्रीम कलर की बुनी है, फिर 4 लाइन ब्लू की, फिर 4 ग्रीन की, और उसके बाद यहाँ पे जो है बाकी लाइनें मैंने ये ग्रीन से बुनी है। तो इस तरह से मैंने ये दो स्क्वायर्स बना रखे हैं और उल्टा उल्टा बुना है, देख सकते हैं आप। मैं इस वीडियो में आपको इसे सिल के बनाना बताऊंगी। और देखिए यहाँ पे मैंने खूबसूरत सा फ्लावर बनाया है, फ्लावर अटैच करके मैं इसे आपको सिल के बताऊंगी। बहुत आसान है, सबसे आसान है बच्चों के लिए। मुझे बच्चों के मतलब 12-13 साल की लड़कियों के लिए बहुत प्यारे लगते हैं और ये अंगूठे वाले नहीं हैं। तो चलिए इसे सिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है इसको आपको उल्टा कर लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हम उल्टा कर लेंगे दोनों को, इसे हम यहाँ मिलाएंगे और इसे हम यहाँ मिलाएंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोनों को आपको क्या करना है। इस तरह से आपको तैयार करना है, इस कोने को आपको यहाँ मिलाना है और इस कोने को आपको यहाँ मिलाना है, ताकि जो पट्टी हो देखिए इस तरह से आए। दोनों अगर आप एक जैसा मिला देंगे तो दोनों एक पैर का हो जाएगा। तो इस पहले हम इसे सिलते हैं। तो देखिए इस तरह से हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जब धागे फंदे बंद किए थे तो ये ऊन छोड़ा था, इसमें हम सुई इंसर्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसे उठाएंगे, इसे हम उल्टा कर लेंगे क्योंकि सिलाई तो हमें उल्टी साइड से करनी है। ये देखिए इसे उठा के हमने इसे उल्टा किया और ये जहाँ तक आपकी पट्टी है देखिए इस तरह से, जहाँ तक ये वाइट वाली लाइन है यहाँ तक पहले हम इसे एक बार इस तरह से सिलते हुए जाते हैं। लंबे लंबे सिलाई करेंगे क्योंकि दोबारा भी हमें उस साइड से आना है। ये देखिए इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये देखिए स्क्वायर इसका जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए आपने बनाया तो ये थोड़ा सा कम हो गया, ज़्यादा हो गया, नहीं। मोड़ने पे जैसे ये है देखिए, इसे मोड़ने पे पूरा ये इस तरह से एक ट्राइंगल, परफेक्ट ट्राइंगल बनना चाहिए। कहीं से भी आपका जो है कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम या ज़्यादा होगा तो आपका जो मोजे हैं उनका शेप बिगड़ जाएगा। देखिए इस तरह से ये देखिए जहाँ तक हमारी लाइन है वहाँ तक हमने सिल लिया है और फिर वापस से हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई कर ली। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए इस कॉर्नर को ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से और इसे हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो इसे आपको जैसे भी आपको सिलना हो वैसे आप सिल लीजिए, यहाँ से यहाँ तक उल्टी बखिया से चाहे जैसे भी। तो मैं इसे सिल के कंप्लीट करती हूँ, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हमें सिलना है। ये देखिए हमने इसकी सिलाई कर ली। अभी हम इसे सीधा नहीं करेंगे, दूसरा वाला है देखिए, दूसरा वाला मोड़ के रखा है, इसे भी हम उल्टा करेंगे इस तरह से। और यहाँ से जहाँ पे ये पट्टी है देखिए, जहाँ पे ये पट्टी है यहाँ से इसकी सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। देखिए एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये हमारा बराबर होना चाहिए, देखिए इस तरह से बराबर है। फिर यहाँ से हम इसकी सिलाई करना शुरू करते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो जैसे हमने इसकी सिलाई की थी इस वाले की, वैसे इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सिलाई कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अब इन मोजों को आपको सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए ये मोजे हमने सीधे कर लिए, इसे भी सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारे मोजे बन गए। ये देखिए इस तरह से हो गए। अब ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे आपको ऐसे मोड़ देना है, यहाँ से जहाँ से आपका ये सिलाई है यहीं से आपको इसे मोड़ देना है। और यहाँ पे हम देखिए एक फ्लावर, इसे मैंने फ्लावर बनाया है तो मैं इस फ्लावर को यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, सिल देती हूँ। और ये फ्लावर अगर आपको सीखना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। काफ़ी लोग पूछते हैं मैम फ्लावर बनाना बताइए या कोई भी चीज़, तो वीडियो से जुड़ी हर जिसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देती हूँ, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। देखिए इसको यहाँ पर हमने सिल लिया, इसे हम टांग देंगे।
ऐसे ही सेकेंड वाले में भी हम कर लेंगे। इस तरह से अब इसको भी हम इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पे भी हम एक फ्लावर टांग देंगे। ये देखिए ये हमारे मोजे इस तरह दिखा दे रहे हैं। अब मैं इसे आपको ये पैरों में कैसा लगता है वो दिखाती हूँ। ये देखिए लग रहे हैं ना खूबसूरत, बहुत प्यारे लग रहे हैं और इतने आसान हैं, आपने देखा ही है। अच्छा लगा ना? तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये मोजे कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।